जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक की मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र, उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण अविनाश चंद तिवारी, उप कृषि निदेशक प्रसार संजय सिंह, वरिष्ठ प्राधिक सहायक ग्रुप एक चंद्रमौली मिश्रा, वरिष्ठ सहायक भूमि संरक्षण इंद्रेश मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में CDO अनुज सिंह ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण खेती योग्य जमीन आवासीय भूमि में परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण कृषि भूमि का आकार सिकुड़ रहा है। जनपद में उपलब्ध समस्याग्रस्त भूमि को खेती योग्य बनाकर क्षतिपूर्ति करना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार जहां एक तरफ भूमि संरक्षण के उपाय अपनाकर बंजर ऊसर जलमग्न भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया जा रहा है, आवश्यकता इस बात की है कि भूमि संरक्षण के उपाय निरंतर अपनाए जाएं, जिससे बाढ़ सूखा आदि के कारण मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में सुविधा हो। इन उपायों से सूखा एवं बाढ़ के कारण पैदा होने वाले विकार से घटने वाले कृषि क्षेत्र की भरपाई होती रहेगी और कृषि विकास का स्थायित्व मिलेगा। पालन या कुकुट पालन के लिए वो मिलेगा और तो फार्मिंग सिस्टम में पैसा 60% होगा और 20% से 30% वैल्यू एडिशन होगा, पोर्टार्वे वर्मी कंपोस्ट ये नाम बता ये सब बनेगा। तो ये इसको अभी जारी किया है, अभी मैं तत्काल अभी जारी किया हूँ। ये योजना जो है गोरखपुर मंडल के गोरखपुर देवरिया को ले लिया जाए, ये गाँव जो है सर ये गाँव अभी मैंने जारी किया, आज ही किया है क्योंकि कल आया बड़ा है आपका है इसमें स्वीकृत है सर, तो एक अनुमोदन फिर ले लेंगे हम कि अपने साल आगे आना पड़ेगा, इस हिसाब से बनाना होगा। अभी लेटर भी मैं जारी किया हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। जिला सर की मीटिंग हुई थी 2 बजे से, निवेदन को हमारे स्वीकार किया सर, धन्यवाद आपके निर्देश के क्रम में सारी कुछ एक बार सर मैं हम करा लेंगे सर, ठीक है।